विदिशा जिले के मालदों से भोपाल लौटते समय कुरवाई बिना तिराहे पर मुख्यमंत्री पुत्र कार्तिकेय के अल्प समय के लिए रुके। यहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने पिता के 13 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मामा इस बार अलग रंग में नजर आ रहे हैं, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। यहां उन्होंने कहा कि चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, युवाओं को टिकट देना चाहिए। अगर पार्टी 100 टिकट दे रही है तो कम से कम 20 टिकट युवाओं को मिलना चाहिए। निकाय चुनाव में युवाओं को मौका भी दिया जाना चाहिए। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। कहाँ हो गए सम्माननीय विधायक आदरणीय हरी सप्रे जी समेत आदरणीय प्रेम नारायण जी तिवारी साहब, जो हमारे सम्माननीय जनपद अध्यक्ष हैं, उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे साथियों, युवा साथियों, छोटे भाइयों, मैं आप सभी कि हम जनता के बीच में गए, जनता की सुनवाई करी, हमने जो योजनाएं बनाई, अपने दिल पर हाथ रख के बताना मुझे। अब कन्यादान योजना, कोई हमने सत्ता में कोई सरकार बन के या आपको प्रजा मान के नहीं बनाई। इतनी भावुक योजना अगर कोई व्यक्ति बना सकता है तो वो आपको आपका परिवार वाला समझ के बना सकता है। माता की भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। ऐसा लग रहा है कुरवाई में नहीं, बुधनी में आया हूँ, अपनी खुद की विधानसभा। सचमुच में इंसान प्रेम का प्यार का भूखा होता है, ये मैंने आज जाना। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, सब कुछ हो, दुनिया की चाहे के सामने पूरी ताकत के साथ ये बात रखता आया, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव भी। मैं हमेशा से कहता आया कि इस देश की बागडोर युवाओं के हाथों में जानी चाहिए। अगर पार्टी 100 लोगों को टिकट वितरित कर रही है तो उसमें से कम 20% युवा होने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगरीय निकाय में भी इस सुझाव को पार्टी गंभीरता से लेगी। लेकिन मैं हूँ एक कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी बात सामने रखता हूँ। मैं वैसे तो यहाँ पे गुजर रहा था, लेकिन आदरणीय विधायक जी का ये आदेश था कि भैया कुरवाई आए हो तो अपने कार्यकर्ता साथियों से भी मिलो। ये क्षेत्र पारिवारिक रूप से भी, ये क्षेत्र हमेशा से, माने विधानसभा अगर लोकसभा की बात करें तो विदिशा संसदीय लोकसभा में आता था, लेकिन आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली बार एक राजनीतिक मंच पे मैं कुरवाई में शामिल हुआ। कुरवाई के युवाओं से मैंने संवाद किया, उसके साथ साथ यहाँ की आम जनता से मैंने संवाद किया और ये एक आम कार्यक्रम था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।